अभी अभी जो आपने सीन देखा वो मेरे सबसे फेवरेट फिल्म विप्लैश का ओपनिंग सीन है और इस फिल्म को बेस्ट एडिटिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। सोच रहे हो, ऑस्कर अवार्ड मिला है। एंड द ऑस्कर गोज टू टॉम क्रॉस विप्लैश। किसी भी मूवी या किसी भी वीडियो का सबसे मेन पॉइंट होता है उसका ओपनिंग सीन, कि आप फिल्म को या वीडियो को स्टार्ट कहां से करते हो। अगर उसकी स्टार्टिंग सही है तो लोग आपके कंटेंट में खो जाएंगे या उनको आइडिया मिल जाएगा ये किस बारे में है और उसमें बहुत ही ज़्यादा इंगेज हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा इस मूवी के फर्स्ट सीन से ही आप कनेक्ट हो गए कि हाँ ये मूवी किस चीज़ के बारे में है, क्या होने वाला है और क्या चीज़ें हो रहा है, आप पूरे का पूरा कनेक्ट हो गए। और इस टेक्निक, यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ हो रहा है उसको बोलते हैं जे कट या फिर ऑडियो लीड। जे कट एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है, आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप ब्लॉग बनाते हो या ट्रेलर बनाते हो या सॉन्ग बनाते हो या शॉर्ट फिल्म बनाते हो या डॉक्यूमेंट्री बनाते हो, किसी भी चीज़ का ओपनिंग जितना क्रिएटिव हो, जितना कनेक्ट करने वाला होता है, लोग उतने ज़्यादा आपकी चीज़ों में इंगेज हो जाते हैं। तो ये है वीडियो एडिटिंग का फर्स्ट लेसन, एक्चुअल वीडियो एडिटिंग का फर्स्ट लेसन। वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, हर कुछ कोई कुछ भी सिखा रहा है, वीडियो एडिटिंग के नाम पे कोई कुछ भी सिखा रहा है, उधर से उड़ा के लाओ इधर से उड़ा के लाओ, जो एक्चुअली वीडियो एडिटिंग वो नहीं है। अभी जो आप सीखने वाले हो इस चैनल पे वो एक्चुअल वीडियो एडिटिंग है। और हम वीडियो एडिटिंग ऐसे नहीं सीखेंगे कि भाई ये होता है, ये थ्योरी होता है, ये होता है, नहीं, जिसको आप रियल लाइफ में यूज कर सको, आज सीख के कल आप अपने काम में इंप्लीमेंट कर सको, तभी तो उस वीडियो का कुछ वर्थ है ना। अगर आप अपना 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट मेरे वीडियो में लगा रहे हो, इसका मतलब आप 10 मिनट इन्वेस्ट कर रहे हो और उस इन्वेस्टमेंट में सिर्फ नॉलेज मिले तो फायदा नहीं है, उसको उस नॉलेज को अगर आप रियल लाइफ में यूज कर पाओ, ये हमेशा मेरा मोटिव रहता है कि जो भी मैं सिखाऊं वो आप ऑफिस जाके या अपने प्रोजेक्ट में या अभी काम में उसी टाइम से आप उसको यूज कर पाओ। तो ये है वीडियो एडिटिंग का फर्स्ट क्लास, जहां पे हम सीखेंगे कि जे कट कैसे बहुत ही अच्छा आइडिया हो सकता है जब आप कोई ब्लॉग, फिल्म या ट्रेलर या फिर डॉक्यूमेंट्री को एडिटिंग स्टार्ट करते हो तो उसका ओपनिंग सीन जे कट कितना अच्छा हो सकता है। अच्छा, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखा रहा हूं जिस फिल्म को भी सिनेमेटिक वंडर माना जाता है कि हाँ इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी थी और इसकी एडिटिंग काफी अच्छी थी, तो वो है द बैटमैन। द बैटमैन का जब ट्रेलर आया था तो वहां भी जे कट का यूज हुआ था, जिसको आप यहां पे अभी देख सकते हो। तो बेसिकली जे कट होता क्या है, जे कट को हम ऑडियो लीड्स भी बोलते हैं, कि जहां पे आपका ऑडियो लीड कर रहा है किसी एक सीन से दूसरे सीन में ले जाने के लिए ऑडियो उसको लीड कर रहा है, जिसको हम जे कट और ऑडियो लीड भी बोलते हैं। और इस सब चीज के बारे में मैंने अपने कोर्स एडिट एंड कट्स में बहुत ही डिटेल में बात किया है, यहां तो जस्ट मैं आपको उसका एग्जांपल दिखा रहा हूं, लेकिन उसके पीछे का प्रोसेस जानना है तो आपको एडिट एंड कट्स कोर्स तो लेना ही चाहिए। देखो, वीडियो एडिटिंग के नाम पे यहां पे लोग कुछ भी सिखा रहे हैं, भाई क्रॉप कर दो, मास्क कर दो, वीडियो एडिटिंग हो गया, जबकि उसका यूज आप ऑफिस में जाओगे ना के बराबर होगा, या आपके पास कुछ काम आता तो ना के बराबर होगा। आप इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें देखते हो कि उसके आईज में से वो आ रहा है, उसके आईज से वो आ रहा है, क्या वो सारी चीज, आप भी दिन भर मूवी देखते हो, सॉन्ग देखते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो, क्या वो अजीब और गरीब टाइप के एडिटिंग आप कहीं और देखते हो? मुझे करना वो भी आता है, मैं आपको वो भी सिखा सकता हूं, लेकिन उसका कहीं यूज नहीं है, उसका यूज सिर्फ यूट्यूब या बाकी सारी जगह पर कुछ लोग ही कर पाते हैं, लेकिन जब रियल वर्क करने का जैसा फिल्म एडिटिंग हो गया, सॉन्ग एडिटिंग हो गया, जिसको आपको एक्चुअल पैसा मिलता है, वहां पे इस टाइप की चीज आपको खुद ही नहीं करने को मन करे, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं, उसका कोई रीजन ही नहीं है। तो फिर बेसिकली जे कट होता क्या है, जे कट को ऑडियो लीड्स भी बोलते हैं। इसको जे इसीलिए बोलते हैं कि जब आप इसको लेयर में रखते हो, जब आपका वीडियो लेयर और ऑडियो लेयर होता है, तो ऑडियो लेयर और वीडियो लेयर जब कट जाता है तो जे का शेप बनाता है, मतलब ऑडियो बहुत पहले से होता है और वीडियो बाद में होता है, तो वो जे का शेप बनाता है, इसलिए उसको जे कट बोलते हैं। और इसको ऑडियो लीड्स इसलिए भी बोलते हैं कि भाई ये ऑडियो पहले आता है और ऑडियो ही आपको वीडियो तक लेके जाता है, तो इसलिए वो आता है। तो ये तो बेसिक है जिसके बारे में मैंने कोर्स में ऑलरेडी बात किया हुआ है। वर्ल्ड के बेस्ट वीडियो एडिटर सबको देख लो, चाहे इंडिया के हो चाहे बाहर के हो, वो बहुत ही सिंपल और इस टाइप के कट्स का यूज करते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी कोर्स में बताया हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जे कट आपने समझ लिया कि जे कट क्या होता है, कि ऑडियो और वीडियो का जो शेप बनता है उसको जे बोलते हैं। अब ये बहुत ही अच्छी चीज होती है चीजों को इंगेज करने के लिए, जैसे कि मैंने भी अपने एक ट्रेलर में उसको वही सेम टेक्निक को मैंने यूज किया है। वो ट्रेलर आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, वो था लाइफ इन यूआई का ट्रेलर, जिसका ओपनिंग जे कट से होता है। यहाँ पे तूफान आया हुआ है और हम लोग फिशरमैन को चेज कर रहे हैं। तो फिर आपने यहाँ पे देखा कि साउंड जो पीछे जो फिशरमैन का साउंड वो पहले से आ रहा है, वो साउंड आपको एक जगह लीड कर रहा है, हाँ मैं वो कहाँ जा रहा हूँ। तो आप
पहले ही फ्रेम से आप इंगेज हो गए और आपको पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पे क्या होने वाला है और किस चीज़ के बारे में बेसिकली बात होने वाली है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वीडियो एडिटिंग करते हो या सीख रहे हो या किसी का कोई ब्लॉगर का एडिट कर रहे हो या कोई ब्लॉगर हो कोई यूट्यूबर हो या फिर कोई फिल्म एडिट करते हो या सॉन्ग एडिट करते हो, तो ये इस तरह की जब आप ओपनिंग करते हो तो ट्राई करो कुछ क्रिएटिव ओपनिंग करें। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जे कट से ही ओपन करना है चीज़ों को। देखो ओपन करने के बहुत सारे क्रिएटिव तरीके हो सकते हैं, उसमें से एक है जे कट। मुझे लगा आपको ये चीज़ बताना चाहिए कि हाँ ऐसे क्रिएटिव तरीके से आप चीज़ों को ओपन करोगे तो आपको पहले ही फ्रेम से आपको चीज़ें समझ आने लगेगी। बाकी ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने पड़ेगी, धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखते हो। तो आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक ये था कि कैसे आप जे कट से एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग सा आप ओपनिंग सीक्वेंस यहाँ पे बना सकते हो, जिससे पहले ही फ्रेम से चीज़ें वहाँ पे कनेक्ट होती है। मैंने आपको यहाँ पे दो एग्जांपल दिए, दोनों टॉप मूवीज़ के एग्जांपल दिए जिन्होंने अपने ओपनिंग सीन में जे कट का यूज़ किया है। अब ये जे कट आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, देखो अगर आप ब्लॉगर हो ब्लॉग एडिट करते हो तो जे कट यूज़ कर सकते हो, अगर आप सॉन्ग एडिट करते हो तो वहाँ भी आप ट्राई करो कि इस टाइप से चीज़ें ओपनिंग हो सकते हैं, शॉर्ट फिल्म करते हो तो वहाँ पर जे कट कर सकते हो, या फिर आप फुल मूवी बनाते हो वहाँ भी कर सकते हो, या फिर अपने सीखने के लिए भी ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या फिर एड फिल्म बनाते हो तो वहाँ भी आप कर सकते हो, और फिर आज के बाद आप जो भी मूवीज़ देखते हो इंटरनेट पर या कहीं पर सिनेमा हॉल में कहीं भी आप मूवीज़ देखते हो तो आप गौर क्या करोगे कि वो एक सीन से दूसरे सीन में कट्स कैसे लेके जाते हैं, वही है असली एडिटिंग। इंटरनेट पर जो सिखाते हैं वो एडिटिंग नहीं है, वो तो आप कुछ भी एक प्लगइन ले आओ सीख ले आओ बता दे भाई यही एडिटिंग है, वो एडिटिंग नहीं है, वीडियो एडिटिंग वो नहीं है, फिल्म एडिटिंग आप लोगों के सोच से भी कहीं ज़्यादा ऊपर है। इसीलिए क्या होता है कि आप लोग कभी उस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाते क्योंकि आपको पता ही नहीं होता, आपको लगता है भाई एक टेक्स्ट आ रहा है बहुत बढ़िया से माउंटेन के ऊपर टेक्स्ट लिखा रहा है तो वो एडिटिंग हो गया, जबकि वो एडिटिंग असली एडिटिंग नहीं है। जब आप फिल्म एडिटिंग की बात करते हो तो वो फिल्म एडिटिंग बेसिकली नहीं है, सीन को जोड़ना वीडियो एडिटिंग नहीं है, उस सीन को जोड़कर जो आप स्टोरी क्रिएट करते हो वो असली वीडियो एडिटिंग है। और उसको उस स्टोरी को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ शॉर्टकट्स कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ टेक्निक यूज करने पड़ते हैं, और उसमें से मैंने आपको एक यहाँ पे आज टेक्निक बताया है जे कट, जिस जे कट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके वीडियो शुरू कहाँ से होती है ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो ये था लेसन नंबर वन फिल्म एडिटिंग का, एक्चुअल फिल्म एडिटिंग का लेसन नंबर वन, आप फिल्म एडिटिंग भी बोल सकते हो वीडियो एडिटिंग भी बोल सकते हो, उसका था लेसन नंबर वन। अभी तो ये जस्ट एक लेसन है, आगे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो आप कमेंट करके बताओ कि ये आइडिया और ये जो स्किल है जो अभी अभी आपने सीखा है वो आपको कैसा लगा, क्या आप उसको कहीं यूज़ करोगे, और अगर आप इसको यूज़ करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो। और हाँ अगर आप वीडियो एडिटिंग को एक्चुअल वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो मेरा एक कोर्स है एडिट एंड कट्स, जिसे मैंने बहुत डिटेल में इस सब चीज़ों के बारे में बात किया है, और मैंने एक शॉर्ट फिल्म खुद से शूट करके उसका फुटेज मैं आप लोगों को भी मैं दे रहा हूँ। उस कोर्स का दाम सिर्फ 1000 रुपीज़ है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय। तो क्या जिंदगी में ना कभी कभी चमत्कार होते हैं, और आज से आप भी इस बात को मानना स्टार्ट कर दोगे। देखो तो जब से मैं YouTube पे आया हूँ मैंने टोटल 8 या 9 कोर्सेज बनाए हैं, और जिसका अगर मैं वेबसाइट के हिसाब से प्राइस बताऊँ तो अराउंड 10,000 के आसपास है। लेकिन ये सारे के सारे वो आपको 1599 में मिल रहा है। ये ऑफर समझ लो आज रात के लिए ही है। देखो कोई चमत्कार होता है तो लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है, ठीक है। तो आज रात तक ये ऑफर है, 1599 में आपको सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। इसके अंदर वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और मोशन ऐड, वीडियो ऐड, सारे के जितने भी कोर्सेज हैं सारे के सारे इस बंडल में इंक्लूड है। तो अगर आप बहुत दिन से प्लान बना रहे थे कि हाँ भाई राजीव का कोर्स लेना है तो ये वही मौका है जिसका आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे। तो आई थिंक आपको ये मौका को चूकना नहीं चाहिए, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। और ये कोई सपना नहीं है, ये सच में हकीकत है, और नीचे लिंक है, जाओ और जल्दी से इसको इनरोल कर लो। सारे के सारे कोर्स है, जितने भी कोर्स है सब के सब कोर्स है इस बंडल में।